केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह INX विक्रमादित्य का दौरा किया, जहां पनडुब्बियों, फ्रिगेट्स, ओश वाहक सहित अन्य सैन्य अभ्यासों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से मशीन गन लिए समंदर में तड़ातड़ गोलियां दागी। मशीन गन चलाते वक्त रक्षा मंत्री का जोश देखकर सुरक्षा कर्मी भी हैरान रह गए। राजनाथ सिंह के मशीन गन से फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री ने INS विक्रमादित्य पर सुरक्षा कर्मियों के साथ पूरी रात गुजारी। रक्षा मंत्री सिंह ने विमान वाहक INS विक्रमादित्य के दौरे की तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि INS विक्रमादित्य में 24 घंटे का समय गुजारा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर का सिकंदर है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत 26/11 हमले को भी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हमने जो पहले गलतियां की है उसे अब नहीं दोहराएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की समुद्री सीमाओं पर आतंकी हमले का खतरा आज भी बरकरार है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि इस साजिश के पीछे एक पड़ोसी मुल्क की साजिश है और वो भारत को अस्थिर करना चाहता है, लेकिन उसका मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। इससे पहले शनिवार को रक्षा मंत्री ने इस दौरान भारत का पहला 17 शिवालिक क्लास युद्धक पोत नीलगिरी और विमान कैरियर ड्राईडॉक को भी भारतीय नौसेना में शामिल किया। नौसेना ने कहा कि इन तीनों के शामिल होने से समुद्र में देश की युद्धक क्षमता काफ़ी बढ़ गई है। INS खंडेरी P-75 परियोजना के अंतर्गत नौसेना में शामिल होने वाली दूसरी युद्धक पनडुब्बी है। इससे पहले 2017 में एक और पनडुब्बी INS कावेरी नौसेना में शामिल हो चुकी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।